हेलो दादा दादी चाचा चाची, आप सभी को प्रणाम। कैसे हैं? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। मेरे ससुर जी की जो देहांत हो चुके थे वो आज पूरा हुआ। 13 दिन के बाद आज हम घर आए हुए हैं। मेरा लड़की जो भी बना रहे थे वीडियो, मैं अपने ससुर जी के क्रियाक्रम में लगे हुए थे। आज खत्म हो गया है, इसलिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कहाँ से हैं आप लोग, कहाँ से हम लोगों को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे गौ माता को देख रहे हैं। मेरी गौ माता बहुत अच्छी है, देखते हैं मारने आती है आपको। मेरी गौ माता जो है बहुत अच्छी है। और गौ का मेरा लड़की ध्यान दे रही थी, जब तक हम लोग घर नहीं गौ माता का सेवा करती रही। गौशाला में जो दान करते हैं वैसे मेरे ब्लॉग को देखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप लोग नहीं कीजिएगा तो मेरे गौ माता का गौशाला कैसे बनेगा? देखते हैं गौशाला, बरसात में मेरा गौशाला में मेरा गौ माता बहुत तकलीफ से रहती है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए। गौ यूट्यूब के भैया, आप लोग भी मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाइए, यही आप लोग से विनती है। गौ दादा दादी चाचा चाची सभी को प्रणाम। भैया बहन जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं सभी को प्रणाम और लाइक कीजिए। जिस गांव से आप लोग देख रहे हैं उस गांव का नाम कमेंट में लिखिए। मेरे भैया हमें तो कुछ नहीं आता है, जो भी आता है आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। कहां से देख रहे हैं आप लोग? यूट्यूब के भैया आप लोग जब तक नहीं ध्यान दीजिएगा तब तक मेरा वीडियो ये नहीं होगा। ध्यान नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? आप कृपा हो पाते भैया, आप लोग ध्यान दीजिए हम लोग पर, हमारी गौ माता पर। गौशाला में जो दान करते हैं उसके बदले में देखिए और लाइक कीजिए, आप तो आपने समझदार है। दादा दादी चाचा चाची सभी हम आपके लोग फिर कल बनाएंगे। गौ माता को कल जो है डॉक्टर को बुलाना है, उसको सुई दिलाना है, इसलिए कल देखना ना भूलिएगा।